नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सकुलेंट प्लांट की ट्रे, जिसको आज मैं बनाने वाली हूँ। सारे सकुलेंट प्लांट एक साथ एक ट्रे में लगाएंगे आज हम, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों। इस तरह की ये जो ट्रे है, अगर आपने एक बार बना ली तो आप भी सकुलेंट प्लांट के दीवाने हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह की जो ये ट्रे मैं आज बना रही हूँ, आप ज़रूर एक बार बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगी। और कहीं भी आप किसी भी टेबल पर रख सकते हैं, कहीं भी आप रख दें इसको, बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसके लिए मैंने इस तरह की एक ये ट्रे टाइप का ये पॉट लिया है, आप इसको ट्रे ही बोल सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे नीचे ड्रेनेज होल हैं, इसमें मैं ये प्लांट लगाऊंगी। और दोस्तों, ये जो सकुलेंट प्लांट हैं ग्रुप में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, तो इनको एक ग्रुप में अगर हम लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और सबको एक साथ हम पानी दे सकते हैं, इधर से उधर उठाकर रखने में भी हमें काफ़ी आसानी होती है। और दिखने में ये प्लांट एक साथ लगने के बाद इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको बेडरूम में रख सकते हैं या फिर कहीं भी। कुछ प्लांट्स मैं ख़रीद कर लाई हूँ और कुछ मेरे पास पहले हैं। और ये पत्तियाँ जो मैंने लगाई थी, देखिए धीरे धीरे ये भी बड़ी हो रही हैं। तो इतना ईजी टू ग्रो है, कटिंग से मतलब एक पत्ती भी आप लगा देंगे तो भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इनको किस तरह से ग्रो करना है, ये मैंने पत्तियाँ कैसे ग्रो करी हैं इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी डाले हैं, आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से लगाना है, किस तरह से पानी देना है। तो देखिए धीरे धीरे सब बड़े हो रहे हैं। और ये मेरा पहला प्लांट है जिससे मैंने पत्तियाँ लगाई थी, एचिवेरिया का। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है मिट्टी की बात। मिट्टी इसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेंड चाहिए। तो एक हिस्सा मिट्टी, मिट्टी मैं नहीं ले रही हूँ, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा कंपोस्ट, तीनों को बराबर बराबर मैंने मिलाया है। मेरे पास बजरी नहीं है, नहीं तो इसमें जो बजरी होती है बारीक वाली, वो भी आप डाल सकते हैं, उससे और अच्छा ड्रेनेज रहता है। और चाहे तो इसमें परलाइट भी मिला सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने सैंड और कोकोपीट और कंपोस्ट तीनों को एक साथ मिलाया है। इसमें भी प्लांट खूब अच्छे से ये चलते हैं, मैंने इसी में लगा रखे हैं अपने पहले भी। जब बजरी रहती है तो मैं डाल देती हूँ, अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं यही वाली मिट्टी बनाती हूँ। ये काफ़ी वेल ड्रेन मिट्टी रहती है और इसमें हमारे प्लांट खूब अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बीच में मैं थोड़ा सा इस तरह से ऊंचा बना रही हूँ, ताकि बीच वाला प्लांट बिल्कुल ऊंचाई पर अच्छे से दिखे। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है जब बीच में इस तरह से कोई भी हम ऊंचा प्लांट लगाते हैं। तो बीच में एलोवेरा लगाऊंगी, और ये एलोवेरा प्लांट वही हैं जो मैंने अपने एलोवेरा प्लांट से अलग किए थे। बेबी प्लांट्स छोटे छोटे, काफ़ी 7-8 प्लांट अलग किए थे, सभी बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से जब हमारे, आप कहते हैं इतने प्लांट्स का आप क्या करेंगी, तो इस तरह से हम कई कई प्लांट्स एक साथ लगाते हैं तो काफ़ी इनका यूज़ हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो बीच में इस तरह से थोड़ी ऊंचाई पर इसको लगाएंगे और साइड में अभी इन सारे प्लांट्स को लगाते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा तिरछा करके प्लांट लगाएंगे, ताकि जो ये हमारी ट्रे है इसमें रखे हुए प्लांट दिखें, बहुत ही सुंदर लगे। अगर हम सीधा लगा देंगे तो दिखने में वो सुंदरता नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा तिरछा करके लगाना है, ताकि हमारी जो ये ट्रे है वो दिखने में बहुत सुंदर लगे और प्लांट बिल्कुल क्लियरली हमें दिखें। तो इसको हम कहीं भी रखेंगे तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके इनको लगाना है, बीच में से थोड़ी गहराई करके, और बाद में अच्छे से बीच में मिट्टी भी डालनी है, बिल्कुल फिल करना है, पूरा फुल करते हुए जाना है साथ के साथ। और किस तरह से अब इनमें पानी देंगे वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने सारे प्लांट्स लगा लेंगे। तो एक साथ आप लेंगे अगर ये प्लांट, तो काफ़ी ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं। और सर्दियों में तो अच्छी ग्रोथ होती है, इंडोर ही रखिए इनको, लेकिन सुबह की जो सनलाइट है वो इनके लिए अच्छी रहती है। गर्मियों में आप इनको ठंडी जगह पर रखें, या तो एसी वगैरह का रूम हो वहाँ रख लें, या फिर जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडक सी रहती हो घर में उस जगह पर रखें, तो ये चलते रहेंगे, अच्छे से ग्रोथ होती रहती है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस प्लांट से मैंने छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स थे वो अलग कर लिए हैं, ताकि उनको भी मैं अलग अलग लगाऊँगी। और एक और एलोवेरा लगा दिया है, अब मैं सोच रही हूँ एक और लगाऊँ, तीनों एक लाइन में एलोवेरा लगाऊँ, ताकि सुंदर लगेगा। और ये वाला प्लांट मैं कोने में लगा दूँगी, तो तीन एलोवेरा लगाऊँगी इसमें। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी इधर उधर लगा सकते हैं। और साइड में जगह थोड़ी थोड़ी बची है, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी सी टर्टल वाइन लगाऊंगी, ताकि वो बाद में जब हैंग करेगी थोड़ी थोड़ी, तो ये बहुत ही सुंदर हमारी बास्केट बनेगी जब ये प्लांट ग्रो करेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, ये ज़्यादातर मैंने मिट्टी बिल्कुल अच्छे से भर दी है, और साइड में भी एक एलोवेरा प्लांट और मैं लगा देती हूँ सामने,
ताकि ये और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से बास्केट एक बार बनाइए, बास्केट ट्रे जो सकुलेंट प्लांट की हो। एक तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको सारे प्लांट्स का जो भी आप फर्टिलाइज़र पानी का जो हिसाब है सबका इनका एक जैसा है, तो एक बिल्कुल एक साथ इनकी केयर कर सकते हैं, बहुत अलग अलग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जैसे कि आपको सनलाइट देनी है इनको या कुछ करना है, तो बस एक ट्रे आपको उठानी है, ट्रे को उठाइए और आप रख देंगे कहीं भी, तो बहुत ईजी रहेगा। और दिखने में तो आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर लगते हैं। तो बीच में जो जगह खाली है इसमें मैं छोटे छोटे जो ये बेबी प्लांट्स हैं वो लगा रही हूँ। ये धीरे धीरे ये ग्रो करेंगे तो ये जो बीच की जो मिट्टी है ये सारी बिल्कुल ढक जाएगी, तो ये बड़े होंगे धीरे धीरे। तो जो मैंने इसमें से निकले हैं कई प्लांट निकले हैं छोटे छोटे, तो वो मैं इसमें बीच में लगा दूँगी इस तरह से। तो लगभग सभी प्लांट्स लग गए हैं दोस्तों। अब बात आती है पानी देने की। पानी स्प्रे बोतल से देंगे शुरुआत में, अच्छे से सारे प्लांट्स को धोते हुए मिट्टी जहाँ लग गई है हटाते हुए पानी दे दें और धीरे धीरे देते जाएं ताकि जो मिट्टी है वो एक बार सेट हो जाएगी अच्छे से। फिर तो मिट्टी जम भी जाती है थोड़ी, तो इतना दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ी थोड़ी इस तरह से स्प्रे से पानी देंगे। अगर हम किसी भी और चीज़ से पानी देंगे तो हमारी मिट्टी एकदम से बह सकती है और हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इसमें हमेशा आपको स्प्रे बोतल से ही पानी देना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पानी की सकुलेंट प्लांट को ज़रूरत भी नहीं है। स्प्रे बोतल से एक बार थोड़ा ठीक ठाक से पानी दे दीजिए, उसके बाद एक हफ्ते तक 8-10 दिन तक कोई ज़रूरत नहीं है पानी देने की। और ये मैंने जो छोटे छोटे प्लांट्स देखे इसमें से और भी नीचे से आ रहे हैं, ये मैंने लगे रहने दिए हैं, ये भी बड़े होंगे धीरे धीरे। और इसके साइड में ये और छोटे छोटे प्लांट हैं, तो ये बीच में जो मिट्टी है ये थोड़े दिन में पूरी भर जाएगी, तो ये बास्केट एक अलग ही रंग इसका दिखाई देगा और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और बीच बीच में जगह खाली थी वहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी टर्टल वाइन की कटिंग लगा दी है ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और सुंदर भी लगती है साइड से, जब जहाँ जहाँ भी जगह है वहाँ से वो हैंग करेगी। तो इस तरह की बास्केट आप बनाइए। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी केयर की। बहुत ही आसान है इसकी केयर करना, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये प्लांट दोस्तों। एक तो पानी आप 8-10 दिन में दीजिए इनको, एक बार अच्छे से स्प्रे बोतल से पानी दे दीजिए, उसके बाद 8 दिन के बाद ही पानी दीजिए, 8 या 10 दिन के बाद, उससे पहले बिल्कुल भी पानी ना दें। और सुबह की जो धूप है इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, सुबह की 3 घंटे की धूप इनको आप ज़रूर दीजिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके बाद आप उठा के इनको इंडोर ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर अच्छी लाइट मिलती रहे और थोड़ी ठंडक भी रहे। दोस्तों बस आपको यही ध्यान रखना है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए कि एक तो आप इनको सुबह की अगर 3 घंटे की सनलाइट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे अगर दिन में भी इनको 2 घंटे सनलाइट कहीं भी मिलती है विंडो वगैरह पर तो भी ठीक है। और इनको आप बिल्कुल लाइट वाली जगह पर रखें, पानी 8-10 दिन में दें और ठंडी वाली जगह पर रखें। अगर एसी वगैरह चलता है जिस रूम में उसमें रख लें तो और भी अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जैसे कि आपने एसी बेडरूम में अपने रख लिया उसमें एसी चलता है तो रूम ठंडा रहता है, उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और ऐसी जगह पर रखें विंडो वगैरह पर जहाँ पर इसको अच्छी लाइट भी मिलती रहे, और दिन में सुबह को या फिर सनलाइट घर में आती है उस टाइम पर इनको 1-2 घंटे के लिए 2-2.5 घंटे के लिए सनलाइट में रख दें, तो इससे जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और हमारे प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, इंडोर प्लांट्स को भी सनलाइट ज़रूर चाहिए। 2-2.5-3 घंटे की सनलाइट तो सभी प्लांट्स को ज़रूरी देनी चाहिए अगर हमें बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए प्लांट की, तो इससे अच्छे कलर आते हैं, प्लांट हेल्दी रहते हैं और खूब अच्छे से ग्रो करते हैं। आप इस ट्रे को एक साथ उठा के रख सकते हैं इधर से उधर कहीं भी, तो काफ़ी सुंदर लगती है। और जैसे जैसे प्लांट बड़े होंगे तो बीच की जगह भी भरती जाएगी, थोड़े दिन बाद इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे सुंदर होती जाएगी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं इसकी। दोस्तों इस तरह की ट्रे आप ज़रूर बनाइए जिसमें सारे सकुलेंट प्लांट लगे हों, जो भी आप चाहें अपने हिसाब से खरीद सकते हैं और उस तरह से फिर इस तरह की ट्रे बनाकर देखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएँ आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।